हेलो, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी नमस्ते बहन। जी, मुझे ना सिस्ट की प्रॉब्लम है और मैंने दवाइयाँ ले रही हूँ मैं 2 साल से चिकित्सा केंद्र से, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है अभी अच्छा, ओवेरियन सिस्ट की। देखो, जी। एक तो कपालभाति कितनी देर करती हो आप? स्वामी जी, मैं कपालभाति भी नहीं कर पाती। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे ब्लीडिंग होने लग जाती है अगर मैं कपालभाति करती हूँ अच्छा, और उम्र कितनी है आपकी? जी। 34 34। जी। तो जी कपाल, मेरे को हाँ, ये प्रॉब्लम है, 2 महीने जैसे पीरियड्स रुक जाता है, फिर मुझे होता है तो लगातार होता रहता है। 2 साथ, एक साथ समस्या होगी। एक तो जो है सिस्ट के लिए, एक तो यह है कि जैसे आपको जी जब अभी जैसे पीरियड खत्म हुआ तो आप उसके बाद शुरू कर दिया करो कपालभाति, 5-7 दिन बाद शुरू जी कर दिया। हाँ स्वामी जी, मुझे ये हो रहा है कि मतलब मैं दवा ले रही हूँ तभी रुक रहा है, नहीं तो फिर लगातार चालू रह रहा है मेरा ब्लड अच्छा, ब्लीडिंग तो इसमें तो आप कुछ दिन ना, जैसे मैं जी। बताता हूँ ना, स्वामी नागकेशर 100 ग्राम ले लो, जी उसमें स्फटिका भस्म 5 ग्राम मिला लो, गोदंती भस्म 10 ग्राम मिला लो, और ये जी नागकेशर, गोदंती, स्फटिका, ये आप 2-2 ग्राम सुबह शाम लेते रहेंगे तो ये जो ओवर ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं होगी आपको। ठंड तो नहीं लगती ना आपको ज़्यादा? ठंड तो नहीं लगती है स्वामी जी, कभी कभी थोड़ा बीपी बढ़ जाता है मेरा हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप शीशम के पत्ते भी चाहे आप जी। सुखा स्वामी जी, करके, मैंने वो भी लिए, हाँ वो भी लिए, इससे तो मुझे थोड़ा फायदा हुआ। शीशम के पत्तों से ये ओवर ब्लीडिंग में फायदा हो जाता है। और फिर स्वामी जी, मेरा ये ओवरियन सिस्ट 7 है, 7 सेंटीमीटर, हाँ, तो तो ये कोई सही दिक्कत नहीं। होगा? देखो, आपको समस्या वही आ रही है ना कि आप कपालभाति नहीं कर पा रहे, नहीं तो मैंने देखा है हाँ जी। एक से 3 महीने के अंदर मेरे पास जी अलग अलग माँ स्वामी बहन जी बेटियों की रिपोर्ट्स हैं कि प्राणायाम करने के जी पहले, प्राणायाम करने के बाद ओवरियन सिस्ट ये जी 1 से 3 महीने में खत्म हो जाता है। तो आप कपालभाति एक तो जोर से मत करना, आप अनुलोम विलोम जी से शुरू करो अभी, तो जिससे जी कि स्वामी जी, आपकी जब ब्लीडिंग के टाइम में तो नहीं करना है ना ना कपाल ब्लीडिंग के टाइम अनुलोम विलोम कर सकते हो, कपालभाति मत जी। करना। स्वामी और जी, क्या हम एक बार वहां पे आके दिखा सकते हैं हरिद्वार पे? हरिद्वार आ सकते हो, और कुछ दिन आप, अभी तो जनवरी के बाद फरवरी से मौसम भी और अच्छा हो जाता है, तो योगा ग्राम में जी या निरामयम भी आकर के थोड़े दिन रह लेंगे तो और अच्छा जी हो जाएगा। आप 1 ग्राम हल्दी तो जरूर लिया करें, 1 से 2 ग्राम हल्दी, जितना तो सर, अनुकूल तक। स्वामी जी, हल्दी से ब्लीडिंग की गर्मी तो इसीलिए तो मिल मैंने कम जाएगी ना बोला ना, अंदर 1 ग्राम शुरू में बोला, और वो भी कब, जी जब ब्लीडिंग ना हो तब। और साथ में जी शीशम आदि के पत्ते और नागकेसर का प्रयोग बता दिया, तो आपको ये जी ब्लीडिंग वाली समस्या रहेगी ही नहीं। क्योंकि जिनको भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, वो कपालभाति करते हैं तो थोड़ा बॉडी में हीट बढ़ता है उससे, और उसी से गांठें आदि मेल्ट होती हैं और बॉडी के ऑर्गन्स चार्ज होते हैं। लेकिन समस्या यही है कि जिनको ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, वो जो मैंने साथ में उपाय बताए शीशम के और नागकेसर के या अशोकारिष्ट आदि के, ये उपाय, अशोकारिष्ट भी इसमें लाभ करता है, ये जरूर कर लिया करें। तो ये गांठ वाली समस्या, ओवरियन सिस्ट, क्योंकि कुछ की समस्या रहती है, कोई कपालभाति नहीं कर पाते तो अनुलोम विलोम से शुरू कर लें, बाद में फिर जब पीरियड बंद हो जाए, ब्लीडिंग ना हो, तब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लिया करें, जोर से ना करें।